हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज सेलेक्शन। लास्ट क्लास हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था, रिक्रूटमेंट। आई थिंक तुम लोगों को याद हो, रिक्रूटमेंट के बाद जो प्रोसेस आता है वो होता है सेलेक्शन, एंड देन सेलेक्शन के बाद हमारा जो टॉपिक आता है वो है ट्रेनिंग। ये तीनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, तीनों टॉपिक्स, रिक्रूटमेंट, सेलेक्शन एंड ट्रेनिंग। तो अगर किसी ने रिक्रूटमेंट वाला लेक्चर अगर नहीं सुना है तो पहले वो लेक्चर अच्छी तरह से सुन लें, तभी उनको सेलेक्शन का जो है स्टेप जो है वो अच्छे से समझ में आएगा, अच्छे से क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं सेलेक्शन। तो व्हाट डू यू मीन बाय सेलेक्शन, या व्हाट इज सेलेक्शन? तो व्हेन द टास्क ऑफ रिक्रूटमेंट एंड्स द टास्क ऑफ सेलेक्शन स्टार्ट्स। जैसे ही रिक्रूटमेंट का टास्क कंप्लीट होता है, सेलेक्शन का टास्क जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ओके, रिक्रूटमेंट क्या था, एक पॉजिटिव प्रोसेस था, जबकि सेलेक्शन क्या है, एक नेगेटिव प्रोसेस है। सेलेक्शन क्या है, तो बेसिकली रिक्रूटमेंट में होता क्या था, बेसिकली रिक्रूटमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग द प्रोस्पेक्टिव ह्यूमन रिसोर्सेज। ओके, रिक्रूटमेंट क्या था, तो रिक्रूटमेंट क्या था बेसिकली, वो क्या था, एक हमारा प्रोसेस था जिसके थ्रू हम क्या करते थे, सर्च करते थे, है ना। किसको सर्च करते थे, प्रोस्पेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। After searching work is complete, the selection process starts. जैसे ही हमारा वो searching वाला process complete होता है, हमारा selection का process जो है वो start हो जाता है, right? तो अब यहाँ पे क्या करना है, हमें selection हम यहाँ पे start करेंगे। जैसे ही हमारा recruitment का process complete होगा, हम selection start करेंगे। Selection क्या है, एक negative process है। यहाँ पे हमें क्या करना होता है, eliminate करना होता है, है ना। हमें अपने राइट टाइम पे राइट पर्सन को राइट जॉब पे अपॉइंट करना होता है, ठीक है। तो सेलेक्शन क्या है, तो सेलेक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ पिकिंग और चूजिंग द राइट कैंडिडेट। सेलेक्शन में क्या करते हैं, हम चूज करते हैं राइट बंदे को, है ना, जो मोस्ट सुटेबल हो पर्टिकुलर जॉब के लिए, हु इज मोस्ट सुटेबल फॉर वैकेंट जॉब पोजिशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो भी वैकेंसी वैकेंट है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उस वैकेंसी के अकॉर्डिंगली जो भी मोस्ट सुटेबल बंदा होगा, हम क्या करेंगे, हम उसे सेलेक्ट करेंगे। या फिर इसको दूसरे वर्ड में क्या कह सकते हैं, इन अदर वर्ड, सेलेक्शन कैन ऑल्सो एक्सप्लेन एज द प्रोसेस ऑफ इंटरव्यूइंग द कैंडिडेट्स एंड इवेल्युएटिंग देयर क्वालिटीज। ऑफकोर्स, हाँ, तो हम सेलेक्शन कैसे करेंगे, हम ऐसा ही तो नहीं किसी का फेस देखकर सेलेक्शन कर लेंगे, अरे भाई बंदा तो बहुत अच्छा दिख रहा है, दैट मीन्स बहुत अच्छा ही होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम क्या करते हैं, उसका टेस्ट लेते हैं, बहुत सारे रिटन टेस्ट होती है, इंटरव्यू होती है ना, तो सारी उसकी एबिलिटीज चेक करते हैं, देन डिसाइड करते हैं कि वो जो बंदा है वो सुटेबल है या नहीं उस जॉब रोल के अकॉर्डिंगली, देन हम क्या करते हैं, उसका सेलेक्शन करते हैं। तो सेलेक्शन क्या है, तो सेलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ पिकिंग और चूजिंग द राइट कैंडिडेट। सेलेक्शन क्या है, एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, चूज करते हैं राइट पर्सन को राइट जॉब के लिए राइट टाइम में, ओके, राइट कैंडिडेट फॉर द राइट जॉब फ्रॉम अ नंबर ऑफ अवेलेबल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। जितने भी अवेलेबल हमारे पास ऑप्शंस है या जितने भी हमारे अवेलेबल कैंडिडेट्स हैं, उनमें से हम क्या करते हैं, राइट पर्सन को चूज करते हैं जो मोस्ट सुटेबल हो जॉब के लिए। आई थिंक क्लियर हो गया। सेलेक्शन में हमारा क्या था, सॉरी, रिक्रूटमेंट क्या था हमारा, रिक्रूटमेंट हमारा एक प्रोसेस था जहाँ पे हम क्या करते थे, सर्चिंग द प्रोस्पेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। जबकि हम क्या करते हैं सेलेक्शन में, है ना, सेलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द राइट कैंडिडेट्स फॉर द राइट जॉब फ्रॉम अ नंबर ऑफ अवेलेबल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। जितने भी हमारे पास अवेलेबल कैंडिडेट्स है, उनमें से हम क्या करेंगे, मोस्ट सुटेबल जो कोई पर्सन होगा उसको क्या करेंगे, वैकेंट जॉब के लिए अपॉइंट करेंगे। ठीक है, तो सेलेक्शन का मतलब समझ में आ गया। अब समझते हैं कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, रिक्रूटमेंट और सेलेक्शन में डिफरेंस क्या है। तो जैसे मैंने कहा कि रिक्रूटमेंट क्या है, एक पॉजिटिव प्रोसेस है, जबकि सेलेक्शन क्या है, एक नेगेटिव प्रोसेस है। इन द सेंस, यहाँ पे जब हम रिक्रूटमेंट में पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि रिक्रूटमेंट में हम सिर्फ क्या करते हैं, यहाँ पे पर्सन्स को अप्लाई करने के लिए मोटिवेट करते हैं कि वो जॉब के लिए अप्लाई करे। यहाँ पे हम किसी को एलिमिनेट नहीं करते हैं, है ना। हम चाहते हैं रिक्रूटमेंट के थ्रू कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करें, उस पर्टिकुलर पोजिशन के लिए अप्लाई करें, ताकि हमारे पास मोर क्या हो, ऑप्शंस हो,
ठीक है, चूज करने के लिए। तो ये एक पॉजिटिव प्रोसेस है रिक्रूटमेंट, जबकि हमारा सेलेक्शन का प्रोसेस क्या है, वो एक नेगेटिव प्रोसेस है। इन द सेंस यहाँ पे हम क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, यहाँ पे हमें बेस्ट जो हमारा कैंडिडेट होगा उसको चूज करना है। तो उसको चुनने के लिए हमें क्या करना होगा, अदर जो उतने बेस्ट नहीं है या उतने अच्छे नहीं है, उतने ज़्यादा कैपेबल नहीं है, उनको क्या करना होगा, रिजेक्ट करना होगा। तो दैट्स वाई दिस इज अ नेगेटिव प्रोसेस। ओके, तो रिक्रूटमेंट क्या है, तो रिक्रूटमेंट दोनों के बीच में एक और डिफरेंस क्या है, तो रिक्रूटमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड मेकिंग द पोटेंशियल कैंडिडेट्स टू अप्लाई फॉर द जॉब्स, जबकि सेलेक्शन क्या है, सेलेक्शन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द राइट कैंडिडेट्स फॉर द वैकेंट पोजिशन। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, चूज करते हैं, जबकि यहाँ पे हम क्या करते हैं, सर्च करते हैं पर्सन को। ओके, तो क्लियर हो गया रिक्रूटमेंट एंड सेलेक्शन के बीच में डिफरेंस। नेक्स्ट देखते हैं सेलेक्शन प्रोसेस एंड स्टेप्स। ठीक है, सेलेक्शन का प्रोसेस क्या है, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास जो पढ़ा था रिक्रूटमेंट में, तो रिक्रूटमेंट में हम लोगों ने देखा था रिक्रूटमेंट का प्रोसेस ना। तो रिक्रूटमेंट जैसे ही एंड होगा, हमारा सिलेक्शन स्टार्ट होगा, तो सिलेक्शन में हम क्या करेंगे, इसके यहाँ पर इंटरव्यू से स्टार्ट हो रहा है इसका प्रोसेस। तो ये भी हो सकता है कि यहाँ पे पहले हम रिटन टेस्ट भी रख सकते हैं, रिटन टेस्ट देन इंटरव्यू। ओके, तो यहाँ पे जस्ट फॉर इंटरव्यू से स्टार्ट कर रहे हैं कि हमारा जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, हमारा इंटरव्यू, हम क्या करेंगे, जो भी हमारे नंबर ऑफ एप्लीकेंट होंगे उनका इंटरव्यू लेंगे, देन इंटरव्यू लेने के बाद क्या करेंगे, रेफरेंस चेकिंग करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, देन फाइनल सिलेक्शन होगा। ओके, तो सबसे पहले इंटरव्यू लेंगे, तो इंटरव्यू क्या होता है हमारा, इंटरव्यू हमारा क्या होगा कि पर्सन जो है वो फेस टू फेस जो है इंटरेक्ट करेगा, जो भी इंटरव्यूअर होगा वो क्या करेगा, कैंडिडेट के साथ में फेस टू फेस इंटरेक्ट करेगा। देन ये उनकी उसकी जो भी कैपेबिलिटीज होगी, जो भी क्वालिटीज होगी कैंडिडेट की, वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा। ओके, और उसके अकॉर्डिंगली जितनी ज़्यादा हो सके उसकी कैपेबिलिटीज के बारे में, उसके पर्सनल इन्फॉर्मेशन को उनके बारे में जानने की कोशिश करेगा, ताकि वो एक बेटर डिसीजन ले सके उनकी उसकी क्वालिटीज़ के रिगार्डिंग। ठीक है, क्या क्वालिटीज़ है उस पर्सन के अंदर, उसके अकॉर्डिंगली, ताकि उसका जो भी डिसीजन हो सेलेक्शन का वो बायसनेस फ्री, बायस्ड ना हो डिसीजन। दैट्स वाई एम्प्लॉयर क्या करेगा, इंटरव्यू लेगा। देन जैसे हमारा इंटरव्यू का प्रोसेस कंप्लीट होगा, देन क्या करेंगे, चेकिंग रेफरेंस किया जाता है, रेफरेंस चेक की जाती है जो भी रेफरेंस हो उस बंदे की, ताकि ये पता चले कि जो भी वो इंफॉर्मेशन वगैरह जो भी दे रहा है वो जो है जेन्युइन है या नहीं है। तो जैसे हम लोग रेफरेंस चेकिंग कर लेते हैं, रेफरेंस चेकिंग के बाद क्या करेंगे, मेडिकल एग्जामिनेशन इज रिक्वायर्ड कि बंदा जो है वो फिजिकली एंड मेंटली फिट है या नहीं है। ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन इज प्रोसेस इन विच द फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस ऑफ द एप्लीकेंट्स आर चेक्ड टू इंश्योर दैट द कैंडिडेट्स आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग अ जॉब और नॉट। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट है वो मेंटली और फिजिकली कैपेबल है या नहीं, ये मैं कहाँ से पता चलता है, मेडिकल एग्जामिनेशन से। सबसे पहले हमारा इंटरव्यू होगा, देन रेफरेंस चेकिंग करेंगे, और उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन करेंगे। जैसे ही हमारा मेडिकल जो है एग्जामिनेशन वो क्वालिफाई कर जाएगा कैंडिडेट, हम क्या करेंगे, फाइनल सिलेक्शन कर लेंगे। फाइनल सिलेक्शन में हम क्या करेंगे, उसे अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो इशू कर देंगे, और इसके बाद अपॉइंटमेंट लेटर इशू करने के बाद हमारा क्या होगा, इंडक्शन का प्रोसेस चलेगा। ठीक है, इसके बाद हमारा जो ये जो सेलेक्शन का पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जैसे ही हमारा जो कैंडिडेट है वो सेलेक्ट हो चुका है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट जो पार्ट है वो क्या आएगा, ट्रेनिंग। अब हमने क्या किया, पर्सन को रिक्रूट कर लिया, हमने सेलेक्ट कर लिया उस पर्सन को, अब हम क्या करेंगे, उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि अगर ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो क्या करेगा, कैसे अच्छी तरह से टास्क परफॉर्म करेगा, है ना। तो ट्रेनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है हर एक जॉब के लिए, क्योंकि जितने ज़्यादा ट्रेंड बंदे हमारे पास होंगे, जितनी अच्छी तरह से हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे और एम्प्लॉय के स्किल्स को इनहेंस करेंगे, उतना ही ज्यादा जो है कंपनी की जो है वो वेस्टेज जो है वो कम होगी, और इफिशिएंसी, वर्क इफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज होगी। ओके, ट्रेनिंग इज द एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर परफॉर्मिंग द जॉब असाइन टू हिम। Training has been defined by different scholars of management. Some important definitions of training are as under. ठीक है, तो training means क्या होता है, training क्या है, तो
ट्रेनिंग ऐसा नहीं है कि हम जब एक जॉब के लिए अपॉइंट होते हैं तभी हमें ट्रेनिंग करती है, अगर करनी पड़ती है ऐसा नहीं है। देखा जाए तो जैसे ही हमारा बर्थ होता है वहां से ही हमारा क्या होता है, ट्रेनिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। हम चीज़ों को क्या करते हैं, सीखना स्टार्ट करते हैं। हम हर एक स्किल्स के को क्या करते हैं, हर एक चीज़ों को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और अपने स्किल्स को क्या करते हैं, इन्हांस करते हैं। बचपन से ही ये चीज़ें जो होती है वो धीरे धीरे डेवलप हो जाती है। सबसे पहले जब हम छोटे होते हैं तो हम छोटी मोटी एक्टिविटीज़ जो है वो अपने पेरेंट्स को देख कर सीखते हैं, जैसे खुद से खाना खाना या खुद से अपने काम करना। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो है हमारा जो है, जैसे जैसे हमारा जो एज ग्रुप वो बढ़ता जाता है तो उसके अकॉर्डिंगली हमें चीजें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की चीजें जो है वो हम सीखते रहते हैं। तो ट्रेनिंग क्या है, एक लर्निंग प्रोसेस है। यहाँ पे हम लर्न करते हैं कि चीजों को किस तरह से हमें एक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अकॉर्डिंग टू गैरी डेसलर के थ्रू जो डेफिनेशन दी गई है ट्रेनिंग की, वो डेफिनेशन क्या है, तो ट्रेनिंग इज द प्रोसेस ऑफ टीचिंग न्यू इम्प्लॉयज द बेसिक स्किल्स दे नीड टू परफॉर्म देयर जॉब्स। तो जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर न्यू इम्प्लॉय होते हैं उनको क्या किया जाता है, हमें ट्रेन किया जाता है, उनको सिखाया जाता है कि उनको किस तरह से जो है अपना है वो टास्क परफॉर्म करना है। अब ऐसा नहीं है कि जो न्यू इम्प्लॉय होंगे सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को ट्रेनिंग देनी है, नहीं बिल्कुल नहीं। जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई है उनको भी टाइम टू टाइम क्या होता है, ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे हमारे हम लोगों को पता है कि टाइम टू टाइम क्या होती है, चीजें चेंज होती रहती है ना। तो हमारा न्यू न्यू थिंग्स जो है वो मार्केट में आते रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे एम्प्लॉयज को कैपेबल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, टाइम टू टाइम क्या करना पड़ता है, उन्हें ट्रेन करते रहना पड़ता है। तो दिस इज नॉट फॉर ओनली न्यू एम्प्लॉय, दिस इज ऑल्सो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज, ठीक है। तो ये ट्रेनिंग जो है हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के लिए भी है और न्यू एम्प्लॉय के लिए भी है, ओके। नॉट ओनली न्यू रिक्रूटेड एम्प्लॉयज बट ऑल्सो द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज मे हैव टू प्रोवाइड ट्रेनिंग अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी नीड हो ऑर्गेनाइजेशन के उसके अकॉर्डिंगली हमारे क्या करना होता है, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को भी ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड करनी होती है। इसके बाद देखते हैं हम स्टेप्स इन ट्रेनिंग प्रोसेस, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जो फॉलो किए जाते हैं ट्रेनिंग प्रोसेस के दौरान, ड्यूरिंग द ट्रेनिंग प्रोसेस। देखो स्टेप्स, सबसे पहला जो स्टेप है ट्रेनिंग प्रोसेस का वो क्या है, डिसाइड इफ ट्रेनिंग इज नीडेड। सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, ओके। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा ट्रेनिंग का वो क्या होगा, हमें ये डिसाइड करना है कि ट्रेनिंग की नीड है या नहीं। जैसे ही हम ये डिसाइड कर लेंगे कि हाँ भाई ट्रेनिंग की नीड है, तो देन हम क्या करेंगे, फिर ये से डिसाइड करेंगे कि किस तरह की ट्रेनिंग की नीड है, हमें जो बंदे को किस तरह की ट्रेनिंग देनी चाहिए, ठीक है। तो दूसरा हमारा स्टेज क्या होगा, डिटरमाइन व्हाट टाइप ऑफ ट्रेनिंग इज नीडेड, ओके। जैसे ही हमें ये पता चल जाएगा कि हाँ हमें अपने एम्प्लॉय को किस तरह की ट्रेनिंग देनी है, देन हम यहाँ पे थर्ड हमारा जो स्टेप है वो क्या हो जाएगा, आइडेंटिफाइंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। फिर हम ये डिसाइड करेंगे कि हमारा गोल क्या होगा ट्रेनिंग का, ओके। और फिर हम क्या करेंगे इसके बाद, फोर्थ जो है इस, जैसे ही हमारा गोल डिसाइड हो जाएगा हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंटिंग कर देंगे ट्रेनिंग, मीन्स बंदे को ट्रेन करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही हमारा ट्रेन हो चुका होगा बंदा, हम एट लास्ट हम क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे कि बंदे ने कितना सीखा है, कितना सीख पाया है हमारा एम्प्लॉय जो हमने ट्रेनिंग प्रोवाइड की, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। सबसे पहले क्या करना है, हमें डिसाइड करना है कि इफ ट्रेनिंग इज नीडेड, क्या ट्रेनिंग की जरूरत है। जैसे ही हमें ये पता चलता है हाँ है, तो हम क्या करेंगे, किस तरह की ट्रेनिंग की जरूरत है, और फिर क्या करेंगे, हम थर्ड गोल डिसाइड करेंगे कि हाँ हमें कहाँ तक या क्या क्या सिखाना है, वो गोल डिसाइड कर लेंगे। देन हम क्या करेंगे, फिर उसको ट्रेन कर देंगे, और ट्रेन जैसे ही हमारा कैंडिडेट या जो भी हमारा एम्प्लॉई है वो हो जाएगा, देन हम क्या करेंगे, उसका इवैल्यूएशन कर लेंगे कि कितना उसने सीखा है। तो बहुत ही सिंपल था हमारा स्टेप्स इन ट्रेनिंग प्रोसेस। अब अगर मैं ट्रेनिंग की एडवांटेजेस की बात करूं, तो एडवांटेजेस मैंने यहाँ पे डाला नहीं है, बट मैं बता देती हूँ कि अगर ट्रेनिंग के एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं। तो अगर हम अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं तो क्या होंगे, वो फैमिलियर विद जॉब्स होंगे, वो अच्छी तरह से अपने जॉब को टैकल कर पाएंगे, अपने जॉब को अच्छी तरह अच्छी कैपेबिलिटीज के साथ में इफिशेंसी के साथ में क्या करेंगे, वो वर्क को कंप्लीट करेंगे। तो ये एक एडवांटेजेस है
हमारा ट्रेनिंग का, दूसरा क्या हो सकता है, बेटर परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस जो होगी वो इन्हांस हो जाएगी हमारे इम्प्लॉयज़ की, अच्छी तरह से परफॉर्म करेंगे, और क्या हो सकता है, लेस सुपरविजन, उसे सुपरविजन की हमें कम ज़रूरत पड़ेगी, है ना, बार बार उसे सुपरवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो बंदा जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या होगा, स्पेशलिस्ट हो चुका होगा अपने वर्क का, ट्रेंड होगा, तो उसको उतनी ज़्यादा सुपरविजन की ज़रूरत नहीं होगी। रिडक्शन ऑफ वेस्टेज भी होगी, जो भी हमारे रॉ मटेरियल्स हैं या जो भी हमारे पास रिसोर्सेस है उसकी जो है ना वेस्टेज जो है वो कम हो जाएगी, अगर हमारा जो इम्प्लॉय है वो वेल ट्रेंड हो तो। उसके बाद लेस एक्सीडेंट्स होगी, एक्सीडेंट्स भी जो है वो लेस हो जाएगी, ज़्यादा एक्सीडेंट्स नहीं होंगे, ठीक है। अब एक्सीडेंट्स का मतलब वो वाले एक्सीडेंट्स नहीं जो सड़कों पे होते हैं, मतलब ड्यूरिंग द वर्क एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, कुछ मिस्टेक्स हो सकते हैं, तो वो अगर अच्छी तरह से वेल ट्रेंड हो हमारा एम्प्लॉय और उसकी स्किल्स जो है वो अच्छी हो, तो क्या होगा, एक्सीडेंट्स जो है वो कम होंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या होगा, और क्या एडवांटेजेस हो सकती है, और एडवांटेजेस हमारी ये हो सकती है कि मोस्ट इकोनॉमिकल यूज़ ऑफ मटेरियल एंड इक्विपमेंट्स, जो भी हमारे पास मटेरियल है या इक्विपमेंट्स है उसका ज़्यादा अच्छी तरह से यूज़ होगा, ठीक है। और साथ ही साथ हमारा क्या होगा, इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी होगी ऑफकोर्स, है ना, जब हमारे पास इफ़िशेंट एम्प्लॉय होंगे तो हम क्या होगा, हमारा जो प्रोडक्टिविटी है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगा, और साथ ही साथ जो हमारे एम्प्लॉय है उनका बेटर चांस बनेगा प्रमोशन के लिए। तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ ट्रेनिंग, अगर हम ट्रेनिंग अच्छी तरह से देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, तो ये एडवांटेजेस जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को मिलेंगे, और कुछ एडवांटेजेस जो है हमारे एम्प्लॉय को भी मिलेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट हम ट्रेनिंग मैथड्स के अंदर, तो देर आर डिफरेंट मैथड्स ऑफ ट्रेनिंग, बट मोस्ट ऑफ द टू कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है ट्रेनिंग को, एक होती है हमारी ऑन द जॉब ट्रेनिंग और दूसरी होती है हमारी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ठीक है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, अब इसका मतलब क्या है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जैसे इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ऑन द जॉब मीन्स जॉब में रह करके ट्रेनिंग करनी है, मीन्स ऑन द जॉब। दूसरा हमारा, मैंने क्या बताया, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, है ना, दूसरा मैंने बताया ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। तो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, जैसे इसके नाम से भी पता चल रहा है हमें कि यहाँ पे जॉब पे रह के ट्रेनिंग नहीं करनी है, ओके। पहले वाले में क्या था, हमें जॉब में रह के ट्रेनिंग करनी है ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड में, और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के मेथड में हमें यहाँ पे जॉब पे रह के ट्रेनिंग नहीं करनी है। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड की अगर मैं बात करूँ तो इसमें भी काफ़ी सारे जो है वो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, जैसे कि हमारा है कोचिंग, मेंटरिंग, जॉब रोटेशन, जॉब इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, अप्रेंटिसशिप, अंडरस्टडी एट्सेट्रा। ये कौन से हमारे एग्जाम्पल हैं, ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स के एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से इसको माइंड में रखना सेट कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग के मेथड्स के अंदर कौन कौन से मेथड्स जो है वो आते हैं, तो कोचिंग, मेंटरिंग, जॉब रोटेशन, जॉब इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, अप्रेंटिसशिप, अंडरस्टडी, ओके। नेक्स्ट मैं बात करूँ ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड की, तो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड के अंदर हमारा आता है लेक्चर एंड कॉन्फ्रेंस, जो भी मैं फिलहाल दे रही हूँ लेक्चर। नेक्स्ट जो है हमारा वेजिटेबल ट्रेनिंग एंड सिम्युलेशन एक्सरसाइज, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग एंड ट्रांजेक्शनल ट्रेनिंग, तो दीज आर द मेथड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। तो ये सारे मेथड्स जो है वो क्या है हमारे ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के हैं, और ये सारे मेथड्स हमारे ऑन द जॉब ट्रेनिंग्स के हैं। भाई ये थोड़ा सा सिंपली हम लोग हल्का सा समझ लेते हैं कि ये कौन कौन से ट्रेनिंग का जो ये जो मेथड्स है इसमें क्या क्या किया जाता है, ये किस तरह से दी जाती है। तो सबसे फर्स्ट कोचिंग, आई थिंक ये नाम सबने सुना अच्छी तरह से और एक्सपीरियंस भी किया होगा मे बी। कोचिंग इज वन टू वन ट्रेनिंग, ओके, बिल्कुल हमारा कोच होगा जो ट्रेनिंग देगा। इट हेल्प्स इन क्विकली आइडेंटिफाइंग द वीक एरियाज एंड ट्राइज टू फोकस ऑन देम। इट ऑल्सो ऑफर्स द बेनिफिट ऑफ ट्रांसफरिंग थ्योरी लर्निंग टू प्रैक्टिस। द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज दैट इट प्रिपरेट्स द एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस एंड स्टाइल्स। इन इंडिया मोस्ट ऑफ द स्कूटर मैकेनिक्स आर ट्रेंड ओनली थ्रू दिस मेथड, ओके। तो कोचिंग जो है
कोचिंग क्या है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजीली किसी भी जॉब को सीखने का जो है वो प्रोसेस है ना। तो इसके अंदर जो है कोच जो होता है या जो भी ट्रेनर जो होता है वो डायरेक्टली जो है ना वो अपने जो भी कैंडिडेट है उसके साथ में क्या करता है, इंटरेक्ट करता है और अच्छी तरह से उसे जानता है, उसके जो पॉजिटिव चीज़ों को भी और नेगेटिव चीज़ों को भी। और यहाँ से उसे क्या करता है, प्रैक्टिस के थ्रू, यहाँ पे जो बंदा होता है वो क्या करता है, ऑब्जर्व करके और प्रैक्टिस के थ्रू क्या करता है, अपनी जो नॉलेज है उसको इन्हेंस करता है। तो मोस्ट ऑफ द ये जो कोचिंग वाला जो ट्रेनिंग का जो मेथड है ये यूज़ कहाँ किया जाता है, जैसे नॉर्मली हम जब देखते हैं किसी मैकेनिक के पास या फिर किसी शॉप पे देखते हैं तो उसके साथ में कोई एक असिस्टेंट होता है जो उसको असिस्ट कर रहा होता है, वो ऑब्जर्व करके उसको सीखता है ना। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल में मैंने लिखा ही है कि स्कूटर मैकेनिक्स वगैरह, तो उसके साथ में जो छोटे छोटे लड़के होते हैं वो देख कर उन्हें ऑब्जर्व करके देखते देखते धीरे धीरे वो क्या करते हैं, वो सीख जाते हैं काम को। तो ये भी एक क्या है, मेथड है हमारा। तो ये हमारा ऑन द जॉब मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, बंदा जो है वो जॉब पे रह के काम कर रहा है ना, काम को सीख रहा है, ट्रेनिंग ले रहा है काम करते हुए। नेक्स्ट जो हमारा है मेंटरिंग, मेंटरिंग भी क्या है, इसी तरह से हमारे जॉब पे रह करके जबकि हम पढ़ रहे हैं ऑन द जॉब, तो ऑफकोर्स सारे मेथड्स में हमें क्या करना है, जॉब में रह करके ही ट्रेनिंग लेनी है। और ये बहुत ही अच्छा मेथड भी है क्योंकि यहाँ पे हमारा ट्रेनिंग के साथ साथ में हमारी अर्निंग भी हो जाती है कुछ ना कुछ, राइट। तो मेंटरिंग जो है ये मोस्टली जैसे कि ये हमने पढ़ा था कोचिंग, ये जो है हमारा मैकेनिक्स वगैरह ये लोग यूज़ करते हैं, बट मेंटरिंग वाला जो ये जो पोर्शन है ये मैनेजरियल एम्प्लॉयज़ के लिए यूज़ होता है। ओके, मैनेजरियल एम्प्लॉयज़ के लिए यूज़ होगा, ये बिल्कुल कोचिंग की तरह ही है। नेक्स्ट जॉब रोटेशन, जॉब रोटेशन ये हमारा थर्ड मेथड है ऑन द जॉब ट्रेनिंग की। तो जॉब रोटेशन मींस बंदे को क्या करना है, किसी एक जॉब पे ना रख करके टाइम टू टाइम क्या करना है, उसको रिपीटेशन करते रहना है, रिपीट करते रहना है, ठीक है, जॉब को। तो इससे क्या होता है कि उसे ओवरऑल हर एक एरिया के बारे में अच्छे से नॉलेज हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको, जैसे कि अगर एक कार रिपेयर की अगर शॉप है और वहाँ पे अगर कोई बंदा जो है वो कार रिपेयरिंग सीखना चाहता है तो उसको क्या करते हैं, कभी हम इंजन पार्ट जो है वो ठीक करने का काम देते हैं करने के लिए, कभी कुछ और, कभी कभी डेंटिंग दे देते हैं, कभी पेंटिंग दे देते हैं, कुछ भी इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट जगह पे क्या करते हैं, उसको थोड़े थोड़े टाइम के बाद क्या करते हैं, उसको चेंज करते रहते हैं। और अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैं बोलूँ तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉर एग्जाम्पल अगर एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर जो हमारा जो एम्प्लॉई है, कभी हम उसे मटेरियल में डाल देते हैं, कभी उसको हम सेल्स डिपार्टमेंट में डालते हैं, कभी उसको परचेज डिपार्टमेंट में डालते हैं, तो इस तरह से क्या करते हैं, या फिर कभी उसको प्रोडक्शन में जहाँ पे हमारा पैकेजिंग वाला डिपार्टमेंट है कभी वहाँ पे अपॉइंट करते हैं, तो इस तरह से क्या करते हैं, उसको चेंज करते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो ये क्या है, जॉब रोटेशन है। तो वो बंदा क्या होता है, रोटेट होते होते उसको हर एक मतलब एरिया के बारे में अच्छी खासी नॉलेज हो जाती है रहते रहते। तो ये जॉब रोटेशन भी बहुत एक अच्छी टेक्निक है ट्रेनिंग की। फोर्थ, जॉब इंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स। यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो भी ट्रेनर होता है वो इंस्ट्रक्शंस देगा और जो ट्रेनी होगा वो उसको क्या करेगा, फॉलो करेगा। ओके, इट इज अ स्टेप बाय स्टेप ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड इन विच अ सुटेबल ट्रेनर प्रिपेयर्स अ ट्रेनी विथ एन ओवरव्यू ऑफ द जॉब, इट्स पर्पज एंड द रिजल्ट्स डिजायर्ड, डेमोन्स्ट्रेट द टास्क और द स्किल्स टू द ट्रेनिंग। अभी मैंने कहा कि ये क्या करेगा, उसे इंस्ट्रक्शंस देगा और उस इंस्ट्रक्शन के थ्रू क्या करेगा, जो भी हमारे ट्रेनी जो होंगे वो उसको फॉलो करेंगे, डेमोज दिखाएंगे और उस डेमोज को क्या करेंगे, वो प्रैक्टिस करेंगे जो भी ट्रेनी होंगी, तो और इसके थ्रू वो क्या करेंगे, लर्निंग करते जाएंगे, चीज़ों को सीखते जाएंगे। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग मेथड। अब देखो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग मेथड के अंदर क्या है हमारा, तो दिस इज अ मेथड वेयर द एम्प्लॉई आर प्रोवाइडेड लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग टू गेट फुल थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। तो ये काफ़ी लंबे टाइम तक चलने वाली एक ट्रेनिंग मेथड है और जिसके अंदर क्या है, जो भी हमारा ट्रेनर होगा वो अच्छी तरह से फुल्ली थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल जो नॉलेज है वो देगा अपने स्टूडेंट को या फिर अपने जो भी कैंडिडेट है उस कैंडिडेट को।
अब ये कहाँ पे मोस्टली यूज होती है, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग जो है ये कहाँ पे मोस्टली यूज होती है, या फिर ये टेक्निकल फील्ड्स वगैरह में यूज होती है, टेक्निकल फील्ड हो, आर्ट एंड क्राफ्ट्स हो, तो इस तरह के जो भी फील्ड्स होते हैं या सेक्टर्स होते हैं वहाँ पे जब ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी होती है तो इस तरह के जो है ना अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट हमारा एंड लास्ट जो है हमारा ऑन द जॉब ट्रेनिंग का, अंडर स्टडी। अंडर स्टडी क्या होता है, मीन्स हम किसी के अंडर पे रह के, किसी के नीचे, मीन्स किसी का क्या होता है सबऑर्डिनेट बनकर क्या टास्क को सीखते हैं, है ना। तो एक मैनेजर होता है और मैनेजर का एक असिस्टेंट होता है, तो वो क्या करता है उसको असिस्ट करते करते सीख जाता है। जैसे हम लोग नॉर्मली देखते हैं ऐसा, तो हम सबको पता है कि मैनेजर का असिस्टेंट होता है, पर ऐसे भी हम लोग देखते हैं जब लॉयर वगैरह जब कोई बनता है तो वो किसी अच्छे बड़े लॉयर के नीचे क्या करता है उसको असिस्ट करते करते चीज़ों को हैंडल करना सीखता है। वहाँ पे वो अच्छी तरह से किस तरह से सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है ये पूरी तरह से डिटेल में वो सीख पाता है, काफी लंबा टाइम लगता है इस पे। तो ये भी हमारा क्या है, एक ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड है। तो इस तरह से हमने 6 मेथड्स देखे टोटल ऑन द जॉब ट्रेनिंग की। तो दिस इज द लास्ट मेथड ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग, अंडर स्टडी। आई थिंक समझ में आ गया होगा सभी को। नेक्स्ट हमारा जो है वो है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड, मीन्स यहाँ पे बंदा जो है वो जॉब पे नहीं जाएगा, वो पहले ट्रेनिंग लेगा देन जॉब पे ज्वाइन करेगा। तो इसका सबसे पुराना और सबसे मोस्ट पॉपुलर जो मेथड है वो क्या है, लेक्चर एंड कॉन्फ्रेंस। लेक्चर एंड कॉन्फ्रेंस के थ्रू क्या करना, बंदे को ट्रेंड करना, मोटिवेट करना, है ना। तो जितने भी स्पीकर्स वगैरह यहाँ पे जो भी चीज़ें यूज़ होती है, किसी भी सब्जेक्ट को डेप्थ में जानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, लेक्चर एंड कॉन्फ्रेंस, सेमिनार्स, इन सब चीज़ों का क्या होना सहारा लेना पड़ता है। जैसे यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में क्या होते हैं, लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं टीचर्स, सेमिनार वगैरह अरेंज करते हैं, और इस तरह से क्या करते हैं जो भी कैंडिडेट होते हैं उसको ट्रेंड करते हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट एरिया में स्पेशलिस्ट बनाने के लिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ ऑफ द जॉब ट्रेनिंग की, वेजिटेबल ट्रेनिंग क्या होती है, अब ये समझते हैं। देखो वेजिटेबल ट्रेनिंग या फिर वेजिटेबल्स को स्कूल कह लो, तो ये होता क्या है, यहाँ पे बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो कहूँ मैं एक तरह का एक सेपरेट जो है वो एक सेम अपने ऑर्गेनाइजेशन के जैसा ही एक क्या करती है, सेटअप जो है वो रेडी करती है। ओके, तो ये ज़्यादातर जो बिग ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर होता है ये इस्टेब्लिश किया जाता है, एक सेपरेट ट्रेनिंग सेंटर जिसको कहते हैं, ट्रेनिंग सेंटर भी कह सकते हैं ऑफकोर्स। बड़े ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक सेपरेट ट्रेनिंग सेंटर जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं जिसको कहा जाता है वेजिटेबल ट्रेनिंग। ओके, जहाँ पे क्या किया जाता है, अपने कैंडिडेट्स को वो क्या करते हैं अच्छी तरह से ट्रेंड करते हैं सेपरेटली। तो ये हमारा इसको ये कहते हैं हम वेजिटेबल स्कूल, जहाँ पे इसको सारी चीज़ें जो है वो अच्छी तरह से सिखाई जाती है। नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है, सिमुलेशन एक्सरसाइज। अब सिमुलेशन एक्सरसाइज क्या होता है, यहाँ पे हमारा सिमुलेशन एक्सरसाइज के अंदर बेसिकली हमारा होता क्या है कि यहाँ पे सेम जो हमारा इन्वायरमेंट होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो सेम इन्वायरमेंट क्या किया जाता है, क्रिएट किया जाता है एक डिफरेंट जगह पे जो ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता। जैसे कि अभी हम लोगों ने वेजिटेबल स्कूल के टाइप से पढ़ा था, तो वो एक ट्रेनिंग सेंटर था, तो उसी टाइप का रहता है, बट वहाँ पे वो तो एक ट्रेनिंग सेंटर था वेजिटेबल स्कूल में, बट यहाँ पे सिमुलेशन क्या होता है, सेम बिल्कुल जो इन्वायरमेंट होता है या जिस तरह से चीज़ें की जाती है, जिस तरह से सेटअप होती है, बिल्कुल उस तरह से एक अलग सेपरेटली क्या करते हैं, आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट जो है वो रेडी किया जाता है सिमुलेशन एक्सरसाइज के अंदर, और वहां पर क्या किया जाता है, एम्प्लॉयज को ट्रेन किया जाता है ताकि उनको ऐसा फील हो कि वो बिल्कुल रियल इन्वायरमेंट के अंदर ही है, और रियल रियली में उनको किस तरह से एक्ट करना चाहिए और किस तरह से अपने टास्क को कंप्लीट करना चाहिए। तो ये कंसिस्ट करता है कुछ चीज़ों को सिमुलेशन एक्सरसाइज, फॉर एग्जाम्पल जो है गया हमारा मैनेजमेंट गेम्स, केस स्टडी, रोल प्लेइंग, इन बास्केट ट्रेनिंग एटसेट्रा। तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ जाएंगी सिमुलेशन एक्सरसाइज के अंदर, ये रहा मैनेजमेंट गेम्स। ठीक है, मैनेजमेंट गेम्स के थ्रू होगा क्या एक्चुअली, तो मैं जो भी हमारे कैंडिडेट होंगे उसके कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप कैपेबिलिटीज जो है वो क्या होगी, इनहेंस होगी।
केस स्टडी के थ्रू वो और अच्छी तरह से डेप्थ में चीज़ों को जान पाएगा, उसे एक केस दे दिया जाएगा, एक टॉपिक दे दिया जाएगा जिसके अकॉर्डिंग जिसके ऊपर वो क्या करेंगी, अच्छी तरह से डेप्थ स्टडी करेंगी। तो इससे क्या हेल्प मिलेगा, केस स्टडी के थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है ये सारी चीज़ें जो है वो अच्छी तरह से डेप्थ में सीख पाएंगे। रोल प्लेइंग एंड इन बास्केट ट्रेनिंग, इन बास्केट ट्रेनिंग के अंदर क्या करता है ट्रेनिंग ट्रेनर जो होता है कुछ जैसे कि ईमेल, एसएमएस, रिपोर्ट्स, मेमोज एंड अदर आइटम्स के थ्रू क्या करता है, ये एक सिचुएशन देता है और वो जो हमारा जो भी हमारा ट्रेनर ट्रेनिंग होता है उसको क्या करता है ट्रेन करता है, ठीक है। तो इन बास्केट एक्सरसाइज ऑल्सो नोन एज इन ट्रेड ट्रेनिंग, ठीक है। इन बास्केट ट्रेनिंग को ट्रेड ट्रेनिंग भी कहते हैं, इन ट्रेड ट्रेनिंग भी कहते हैं। कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ बिजनेस पेपर्स विच में इंक्लूड ईमेल्स, एसएमएस, रिपोर्ट्स, मेमोज एंड अदर आइटम्स। नाउ द ट्रेनर इज आस्क्ड टू प्रायोरिटीज द डिसीजन टू बी मेड, मतलब हम किस चीज़ को प्रायोरिटी देते हैं और इस तरह से क्या करते हैं वो ट्रेन करते हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा है सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, ठीक है। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग जो है इसको हम साथ में लेबोरेटरी और टी ग्रुप ट्रेनिंग भी कहते हैं। ये किस चीज़ में हेल्प करता है, ये हेल्प करता है पीपल को खुद को अंडरस्टैंड करने में और सोशली हमारी जो जो चीज़ें हम रिएक्ट करते हैं या जिस तरह से अपने टास्क को कंप्लीट करते हैं उन सब चीज़ों के बारे में मदद करता है कि हम किस तरह से बिहेव करते हैं एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर। तो ये होती है सेंसिटिविटी ट्रेनिंग जो इस तरह से हमें ट्रेन करती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ जो है हमारा है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के अंदर आ जाता है हमारा ट्रांजेक्शनल एनालिसिस, जो बहुत ही रियलिस्टिक है और बहुत ही ज़्यादा यूजफुल भी है लाइफ में हमारा। ट्रांजेक्शनल ट्रेनिंग का जैसे इसका मतलब ही है कि ट्रांजेक्शनल मीन्स हम जब लोगों से मीट करते हैं, मिलते हैं, तो लोगों के बिहेवियर को हम क्या करते हैं ऑब्जर्व करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, या कौन हमारे साथ में किस तरह से बिहेव करता है उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं यहाँ पे जो है वो चीज़ों को सीखते हैं। तो इट प्रोवाइड्स ट्रेनीज विथ अ रियलिस्टिक एंड यूजफुल मैथड फॉर एनालाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ अदर्स। बिल्कुल हम यहाँ पर ट्रांजेक्शनल एनालिसिस के अंदर क्या करते हैं बिहेवियर को सीखते हैं, है ना, कि किस तरह से हम जब सोशली किसी के साथ में इंट्रैक्ट होते हैं तो लोग किस तरह से बिहेव करते हैं और हमें किस तरह से बिहेव करना चाहिए लोगों के साथ में। मोटिवेटेड प्रोवाइडेड बाई वन पर्सन एंड अ रिएक्शन टू डैट मोटिवेशन गिव बाई अनदर पर्सन। ऑफकोर्स अगर हमारे साथ में अगर सारे लोग अच्छी तरह से अगर मिलते हैं तो हमें हमारे अंदर क्या एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होगी ऑफकोर्स, और हम क्या करेंगे हम भी जब किसी से मिलेंगे तो हम बहुत ही अच्छी तरह से उसके साथ में क्या करेंगे मीट करेंगे, उसके अच्छे बहुत ही अच्छी तरह से उसके साथ में बिहेव करेंगे। बट अगर कोई ऐसा बंदा होगा जिसके साथ में आज तक जितने लोग भी इन्वॉल्व हुए सब ने मतलब बहुत रूड लोगों ने भी इन्वॉल्व हुए होंगे और उन्होंने उनका जो भी उस पर्सन का जो भी एक्सपीरियंस होगा वो काफ़ी ज़्यादा बैड एक्सपीरियंस रहा होगा पास्ट में, तो जब वो किसी के साथ में क्या करेगा मीट करेगा तो वो उस वो क्या एक्सप्रेस करेगा, वो किस तरह से बिहेव करेगा, वही बिहेव करेगा जो अभी तक उसको मिला होगा, है ना, अभी तक लोगों के थ्रू उसने जो भी उसने एब्जॉर्ब किया होगा, जो भी उसने ऑब्जर्व किया होगा वही चीज़ें वो क्या करेगा दूसरों के सामने भी क्या करेगा वो बिहेव, ठीक है। इसमें बेसिकली हमारे तीन स्टेजेस आते हैं, तीन स्टेजेस में सबसे पहला हमारा आ जाता है क्या चाइल्डहुड, ठीक है, क्या फिर चाइल्ड एक बच्चा या एक पर्सन चाइल्डहुड में किस तरह से वो रहा और क्या क्या चीज़ें वो ऑब्जर्व किया, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारा पेरेंटल आ जाएगा पेरेंट स्टेज, और जो है हमारा उसके बाद आ जाएगा एडल्ट, ठीक है। ये तीन ही स्टेज हमारी होती है चाइल्ड, एडल्ट एंड पेरेंटल स्टेज। इन तीनों स्टेज में हमने जिस तरह से जो है सोसाइटी से चीज़ों को ऑब्जर्व किया है या ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो भी चीज़ें हमने देखी है या बिहेवियर जिस तरह की फेस की है वो बिहेवियर ही क्या होता है आगे चल के हमारी पर्सनालिटी जो है वो डेवलप करती है। और हम देखते हैं कई बार हम कुछ लोगों से मिलते हैं कोई बंदा बहुत ज़्यादा पोलाइटली बिहेव करता है, बहुत ही अच्छा उसका जो है मतलब कम्युनिकेशन स्किल होता है या लोगों के साथ में मीट करने का या इंट्रैक्शन करने का जो वे होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। बट जबकि कुछ लोग जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रूड होते हैं। तो मैंने तुम्हें पहले स्टार्टिंग में कह दिया तुम लोगों को कि हम हमारा जब बर्थ होता है तो वहीं से ही हमारी ट्रेनिंग जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है, हम कैसे इंसान बनेंगे बड़े होकर ये हमारा वहाँ जो सफ़र है वो बर्थ के बाद से ही हमारी स्टार्ट हो जाती है। हम चीज़ों को धीरे धीरे
क्या करते हैं, लर्न करना, सीखते जाते हैं कि हमारे पेरेंट्स किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, या उनका बिहेवियर कैसा है, या हमारे आसपास के लोगों का बिहेवियर कैसा है, हमने अपनी लाइफ में कैसे कैसे सिचुएशंस टैकल किए हैं। इसके बेस पे क्या होता है ना कि हमारी ट्रेनिंग जो है वो चलती जाती है, और इसके बेसिस पे ही हम क्या होते हैं अपने एक अच्छी पर्सनैलिटी या एक बना पाते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेलेक्शन एंड ट्रेनिंग। आई थिंक अच्छी तरह से मैंने डेप्थ में इंफॉर्मेशन दिया है, और तुम लोगों को अच्छी तरह से क्लियर भी हो गया होगा सब कुछ। तो अगर किसी को कोई डाउट अगर हो तो प्लीज़ कमेंट कर दें, और थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।